हेलो एवरीवन, आपसे भी एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शंकरनाथ एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आया हूँ लेटेस्ट जॉब इन्फॉर्मेशन। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले बात करता हूँ एनटीए जिपमेट। दोस्तों, एनटीए जिपमेट 2022 की जो है ना एग्जाम सिटी अलॉटमेंट कर दी गई है, और जो डिटेल्स हैं वे दोस्तों साइट पर अवेलेबल है। लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया गया है, आप वहां से चेक कर सकते हैं एनटीए जिपमेट 2022 का एग्जाम। दोस्तों, उसके बाद दोस्तों अभी अभी बहुत ही अच्छी खबर, शाम के समय एसएससी एमटीएस के जो एग्जाम है 5 जुलाई से, आप सभी जानते हैं शुरू होंगे, और जो टायर वन है वो उसके एग्जाम 5 जुलाई से शुरू होंगे, तो उसके एडमिट कार्ड आपके आ गए हैं बहुत सारे रीजन्स के। जिन जिन रीजन्स के आए हैं उनका लिंक मैंने शेयर कर दिया गया है, आप अपना एग्जाम एडमिट कार्ड चेक कर सकते हैं। अभी दोस्तों आपको देखिए शिफ्ट बताई गई है और टाइम बताया गया किस टाइम है और कहाँ पर है। जो लैब है वो अभी दोस्तों नहीं बताई गई है कि कहाँ पर कौन सी लैब में है, ठीक है दोस्तों। तो लैब वगैरह से संबंधित जो है वो आपको बता दिया जाएगा कि कहाँ पर किस लैब में आएगा वो। दोस्तों एग्जाम से आपका 3 या 4 दिन पहले डाउनलोड होगा। अभी आपको बताया जा रहा कि किस शहर में है, किस शिफ्ट में एग्जाम है दोस्तों, किस डेट को एग्जाम है। उसके बाद मैं बात करता हूँ DSSSB दोस्तों, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। दोस्तों इसके एग्जाम हुए थे फरवरी, मार्च और अप्रैल में बहुत सारी, क्योंकि DSSB ने ना दोस्तों वेरियस टाइप ऑफ पोस्ट निकाली है और उनके वेरियस टाइप तरीके से एग्जाम लिए हैं अलग अलग पोस्ट के। तो जिन जिन पोस्ट के एग्जाम हुए थे फरवरी, मार्च, अप्रैल में, उनकी फाइनल आंसर की रिलीज कर दी गई है DSSSB के द्वारा। तो जिन भी कैंडिडेट, जिन भी अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया था, वे अपने आंसर की मैच कर सकते हैं कि कितने उनके क्वेश्चन ठीक है कितने रॉन्ग है दोस्तों। उसके बाद हरियाणा से संबंधित खबर है दोस्तों, हरियाणा में पॉलिटेक्निक एडमिशन 2022। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा के जो भी पॉलिटेक्निक कॉलेजों में जो भी छात्र एडमिशन लेना चाहते हैं 2022 का जो सत्र है उसके लिए ऑनलाइन आवेदन आपके शुरू हो चुके हैं। दोस्तों हरियाणा में पॉलिटेक्निक एडमिशन 2022 के ऑनलाइन आवेदन शुरू। इसके बाद आपसे भी जानते हैं दोस्तों, इनका एक टेस्ट होता है, उसके बाद काउंसलिंग होती है, उसके बाद कहीं ना कहीं जाकर दोस्तों क्या कॉलेजों में नंबर पड़ता है। जिस तरीके से लिस्ट लगती है, चाहे रैंक के हिसाब से आपका अच्छा रैंक आता तो आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में आ सकता, नहीं तो प्राइवेट में, और ट्रेड भी उसी हिसाब से मिलती है दोस्तों रैंक के हिसाब से। तो ये थी दोस्तों अभी तक के लिए टेस्ट अपडेट। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।